नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों। दिल्ली एम्स से छुट्टी मिलने के 3 दिन बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली स्थित अपने आवास से कामकाज शुरू कर दिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज से कामकाज शुरू कर दिया है। उन्हें क्वारंटीन अवधि के बाद दिल्ली आवास से फाइलों का निस्तारण भी शुरू कर दिया है। कोविड-19 के उपचार के लिए रावत को 28 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद उन्हें 2 जनवरी को छुट्टी दे दी गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत उसके बाद से दिल्ली अपने आवास में क्वारंटीन में रह रहे थे। इससे पहले 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री रावत के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद वह देहरादून स्थित अपने आवास में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। बाद में हल्का बुखार आने के बाद उन्हें 27 दिसंबर को दून अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहाँ उनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण पाए जाने के बाद अगले दिन उन्हें दिल्ली के एम्स में ले जाया गया था। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। इस दौरान मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं इस बारिश से मसूरी में ठिठुरन भी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े के साथ अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बड़ी ठंड से गरीब और मजदूर तबके का हाल बेहाल हो चुका है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इससे अनुमान जताया जा सकता है कि मसूरी में बर्फबारी भी हो सकती है, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मसूरी में आ रहे पर्यटक का कहना है कि मसूरी में बर्फबारी ना होने से वह थोड़े मायूस है, परंतु जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उनको उम्मीद है कि मसूरी में बर्फबारी होगी। ठंड है यहाँ पे, बारिश, हमें लगा था बर्फ पड़ रही होगी, पर हम बर्फ के लिए आए थे, बट यहाँ पर इतनी बर्फ है नहीं, पर हाँ ठंड बढ़ गई है पहले। तो उम्मीद है कि बर्फबारी होगी? हाँ, उम्मीद जरूर है। तो आप रुके हैं कि बर्फबारी को देख कर ही जाएंगे? हाँ, वेट कर रहे हैं कि आएगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, हम इसी के लिए आए थे। अच्छा हुआ कि थोड़ा सा दुख है मुझे कि अभी बारिश, क्योंकि नया साल चला गया, बट हाँ जिस तरह से बारिश आ रही है और ऊपर के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 दिनों में आ ही जाएगी, और थोड़ा सा दुख है कि काश मैं रहता यहाँ पे। तो उम्मीद है, पर हाँ उम्मीद है, आने वाली है, मुझे भी फील हो रहा है। ऊपर से हमारा नेट वगैरह भी ऐसे दिखा रहा है कि बर्फ गिर रहा है। मसूरी में हारोल प्यारो जौनपुर फिल्म का विमोचन किया गया। वीडियो में माही फिल्म के निर्माता महिपाल पवार और गायक देवेंद्र पवार ने हारोल प्यारो जौनपुर गीत के माध्यम से जौनपुर के लोक संस्कृत और पर्यटन धार्मिक स्थलों के साथ जौनपुर के रीति रिवाज, बोली, भाषा, नृत्य को वीडियो एल्बम के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर लोक गायक देवेंद्र पवार ने कहा कि हारोल प्यारो जौनपुर गीत के माध्यम से जौनपुर की लोक संस्कृति, वहाँ की रीति रिवाजों को गीतों के साथ एल्बम के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिससे युवा पीढ़ियों को जौनपुर की संस्कृति से रूबरू कराया जा सकता है। वहीं विलुप्त हो रही संस्कृति को संरक्षण के लिए आगे काम किया जा सकता है। जो हमने हारोल बनाई है प्यारो जौनपुर, ये हमने जौनपुर के रीति रिवाज, हमारे जौनपुर के मुख्य स्थल, हमारे बार त्यौहार, हमारी संस्कृति पे हमने इस हारोल को बनाया है, और जिसमें हमारे जो संगीत दिया उत्तराखंड सुप्रसिद्ध संगीतकार बड़े भाई संजय राणा जी ने, और इसके जो निर्माता हैं बड़े भाई महिपाल पवार जी माही जौनपुर क्षेत्र में। तो हमने इस हारोल में बहुत मेहनत करी है। हमने जो जौनपुर के मुख्य स्थल है हमारे नाग टिब्बा, देवलसारी, थत्यूर और नैनबाग, हमने सब जगह जाकर इस हारोल का हमने जो है शूट किया है, और इसको हमने अपने संस्कृति के ऊपर गाया, हमने लोक संस्कृति के ऊपर बनाया है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस हारोल को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा हौसला अप जाए। और मसूरी में माल रोड की व्यवस्था और यातायात को लेकर मसूरी कोतवाल और नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों की बैठक हुई है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासदों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर कई सुझाव भी दिए, जिसमें मसूरी माल रोड पर दोपहिया वाहनों के संचालन और सड़क किनारे पार्किंग को लेकर ठोस कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं सड़क किनारे लग रहे पटरियों का भी व्यवस्थित करने की वार्ता की गई है। ऐसे में माल रोड पर हो रही पार्किंग, टू व्हीलर संचालन और सड़क किनारे लग रही पटरियों को लेकर नगर पालिका प्रशासन को ठोस नीति अपनानी होगी। इसमें जो है कई बिंदुओं पर हमारी चर्चा की गई, जैसे माल रोड पर एंट्री और पार्किंग, और जो ये दुकानदारों द्वारा जो है ये फड़ फेरी वालों जो अतिक्रमण किया गया है उसके संबंध में जो है डिस्कस किया गया, और ये डिसाइड हुआ है कि जो ये पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग जो है पिक्चर पैलेस का जो पार्किंग है उसमें रेट लिस्ट जो है उसके द्वारा शिकायत मिली कि रेट लिस्ट जो है सही नहीं लगाई गई है, उसको जो है दृश्यमान जगह पर जो रेट लिस्ट लगाएगा उसके हिसाब से जो उनसे जो है टैक्सियों से जो है पार्किंग शुल्क वसूलेगा। इसके अलावा जो है जो बाज़ार में जो है जहाँ तहाँ जो है टू व्हीलर वगैरह खड़े रहते हैं उनके लिए जो है हमारा डिसाइड हुआ है कि हम लोग उनको पार्किंग जो है उनको मुहैया कराएंगे, ताकि सभी दोपहिया वाहन वगैरह वहाँ खड़े किए जाएंगे। इसके अलावा
इसमें माल रोड पे जो है फोर व्हीलर की पार्किंग बिल्कुल जो है मनाई है, उसके उसमें जो हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जाती रही है, आगे भी जो है कार्रवाई की जाती है। एक बार मीटिंग कराकर उनको नोटिस दिया जाएगा कि जो भी आपके सरकारी जो है ये संस्थान हमारे जो माल रोड पे हैं, जिनकी वजह से जो है जाम की व्यवस्था अव्यवस्था जो है उत्पन्न हो जाती है, उनको हम नोटिस देकर उनको बताएंगे कि आपको जो है इसके लिए जो है आपको वाहनों को पार्किंग के लिए आपको जो है स्थान जो है चिन्हित करना पड़ेगा और निर्धारित स्थान पर जो आप लोग अपने वाहनों को पार्किंग करेंगे। लोकल प्रशासन से मिलकर जो है पुलिस जो है मसूरी की जो है ये ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भरपूर प्रयास करती रहेगी और बहुत जल्दी इसमें जो है परिणाम सामने आएंगे। और वहीं उत्तराखंड बॉलीवुड की पहली पसंद बन चुका है। उत्तराखंड में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और कुछ अभी भी चल रही हैं। कोरोना के चलते देश में लंबे समय से लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों की यहां की वादियां पहली पसंद बनी हुई है, जिसके चलते उत्तराखंड में फिल्माई गई बॉलीवुड फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दर्ज की है। भले ही बीते साल 2020 में मुश्किल भरा रहा हो, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही फिल्म शूटिंग के लिए बॉलीवुड सितारे और निर्माता निर्देशक उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। कई सितारे शूटिंग पूरी कर वापस लौट चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी शूटिंग में व्यस्त हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज के लिए बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती ने दून और मसूरी में सीन फिल्माए हैं। वहीं अभिनेता तुषार कपूर और हिमांश कोहली ने कुछ दिन तक मसूरी की हसीन वादियों में यहां पर जमकर मौसम का लुत्फ भी उठाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे। नमस्कार।